हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो। आज हम जानेंगे कि क्या सदाशिव भाऊ पानीपत के युद्ध के बाद भी जिंदा थे। पानीपत के युद्ध में बहुत से मराठा मारे गए थे। इस स्थिति में सदाशिव भाऊ के मृत्यु की खबर ने मराठाओं को बहुत सा दुख हुआ, पर इस खबर पर यकीन पार्वती बाई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ। सदाशिव भाऊ एक महान योद्धा थे। वो हमेशा शत्रु पे सामने से वार करते थे। पानीपत में अपने प्रिय विश्वास राव को मरते देख उन्होंने अफगानी सेना पे जोरदार हमला बोल दिया और उसी में वो मारे गए। उनका शव 3 दिनों के बाद मराठा मावलों के ढेर में मिला। दूसरे दिन उनका सर अफगानी सेना के पास मिला, ऐसा काशीराज पंडित के बखर में लिखा है। पार्वती बाई को जैसे अपने पति सदाशिव राव की आहट सी हो गई थी। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा और फिर सदाशिव भाव के लौट आने की खबर ने सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि मराठों ने सदाशिव राव के शव को खुद अपनी आंखों से देखा था। अब मराठों में से कुछ सरदार नए सदाशिव भाव को जा मिले। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी सेना इकट्ठा कर ली। नरवर के नजदीक करेरा का किला उन्होंने मैं ही सदाशिव राव हूँ ये साबित करके हासिल कर लिया। उन्होंने ठीक सदाशिव भाव की तरह ही फौज, तोहफे, गार्दी और हाथी लेके आगे बढ़ना चाहा। उन्होंने खर्चे की कमी की वजह से रास्ते में आने वाले मराठों के गांव को ही लूट लिया। श्रीमंत नारायणराव पेशवा और पार्वती बाई को सदाशिव भाऊ सच में लौट आए हैं ये बात बताने वाले बहुत से खत मिले। उधर नए सदाशिव भाऊ ने नर्मदा और तापी को पार करके खानदेश में हल्ला मचाया। तभी माधवराव पेशवा ने नए सदाशिव राव को कैद किया। आगे सदाशिव राव को ढोंगी साबित करके उन्होंने नगर के किले में कैद कर दिया। उसे एक ही जगह पे न रखते हुए बहुत से किलों पे भेजा गया था, पर रत्नागिरी के सूबेदार रामचंद्र नाइक परांजपे ने फितूरी करके नए सदाशिव भाऊ को आजाद कर दिया। अब तो ये मामला और भी संगीन होते जा रहा था। नए सदाशिव भाऊ ने कोकण में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। नए सदाशिव भाऊ ने तो अब राजमाचे किला भी हासिल कर लिया था। अंग्रेजों ने इन सब कामों में उनका हाथ बटाया। नाना फडणवीस ने शिंदे, होलकर और पांसे को नए सदाशिव राव को पकड़ने को कहा। उन्होंने सदाशिव भाऊ की फौज के ऊपर ऐसा हमला किया कि नए सदाशिव भाऊ भागने पे मजबूर हो गए। उन्होंने अंग्रेजों की मदद लेने के लिए बेलापुर से मुंबई तक जाना चाहा, पर बीच रास्ते में राघोजी आंगरे ने उन्हें पकड़ के नाना फडणवीस के पास लाया। नए सदाशिव भाऊ ने फिर से एक बार उनको परखने की विनती की। नाना फडणवीस ने राम शास्त्री, गोपीनाथ दीक्षित, हरिपंत फड़के, बाबूजी नायक बारामतीकर जैसे मध्यस्थ को लेकर सभा रखी। यहाँ पे एक कथा काफी लोकप्रिय थी। इस कथा के सच्चाई के बारे में मुझे आशंका है। उस सभा में नाना फडणवीस ने जो भी सवाल सदाशिव राव भाऊ के बारे में पूछे वो सभी के जवाब नए सदाशिव राव भाऊ ने अच्छी तरह से दिए। फिर नाना ने पार्वती बाई से नए सदाशिव को कुछ खासगी सवाल पूछने को कहा। पार्वती बाई ने पूछा कि पानीपत के पहले की रात जब हम देर तक बात कर रहे थे तब दिए का तेल अचानक से खत्म हुआ था, तब आपने क्या किया, क्या आपको याद है? नए सदाशिव ने कहा, हाँ मुझे याद है, उसके बाद हम सो गए थे। तभी पार्वती बाई ने कहा कि ये ढोंगी आदमी है, क्योंकि इसके बाद मैंने फिर से दिए जलाए और हम सुबह तक बातें कर रहे थे। 18 दिसंबर 1776 को उस ढोंगी को गधे पे बिठाकर पूरे पुणे में घुमाया गया और बाद में उसे सूली पे चढ़ाया गया। पर ये ढोंगी था कौन? दरअसल ये बुंदेलखंड के छत्रपुर गांव में सुखलाल नामक एक ब्राह्मण था। माँ का नाम अन्नपूर्णा और बाप का नाम रामनंद। घरेलू झगड़े से तंग आकर ये एक दिन घर से भाग गया और उसे कुछ लोगों ने देखकर गलती से सदाशिव भाऊ समझ गया। इसी बात का सुखलाल ने फायदा उठाया। अगर ये अपरिचित इतिहास आपको मालूम नहीं था तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।